केंद्रीय काशी पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा ने कहा कि काशी में सभी दुर्गा प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं, जिनमें मिट्टी, फुवाल और आम की लकड़ी का उपयोग होता है और चेहरे पे खाने योग्य रंग का लगाया जाता है। उन्होंने हाईकोर्ट में गंगा में विसर्जन की अनुमति मांगी थी, यह कहते हुए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां का समर्थन नहीं करते। काशी में दुर्गा पूजा की परंपरा 250 साल पुरानी है, जो बंगाल देवरी से शुरू हुई थी। इस मौसम में पंडाल, झूले और मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें लोग आनंद लेते हैं। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं केंद्रीय पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश, जो पूरे बनारस की दुर्गा पूजा और काली पूजा, गणेश पूजा समितियां जो प्रमुख समितियां है, उसका नेतृत्व करती है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। दुर्गा जी का जो प्रतिमा है, इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली है, मतलब काशी में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, मैं बता दूंगा अभी आपको, वो सारी प्रतिमाएं इको फ्रेंडली है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये खाने वाला कलर केवल चेहरे पर लगाया जाता है। गंगा मिट्टी है और अंदर जो है पुआल है, और ये जो है आपके लकड़ी है। ये मैंने हाईकोर्ट में भी अपने प्रिडिक्शन में रखा था, जो हमारा पीआईए लगा है हाईकोर्ट में, गंगा जी में मूर्ति का विसर्जन हो, ये पीआईए मैंने ही लगाया था। और उस पीआईए में जब डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस समय भी यही था। और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो भी मूर्तियां रखते हैं वो इको फ्रेंडली, इसीलिए गंगा में मूर्ति विसर्जन की अनुमति भी चाहते हैं कि उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। गलत मानक के हिसाब से बता दिया गया है तो, हाँ, जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है उसका विरोध होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को हम समर्थन नहीं करते, उन मूर्तियों को रोक होनी चाहिए, हम उसका समर्थन नहीं करते। जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं, सब इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। जी, ये बंगाल के बाद काशी 250 वर्षों से दुर्गा पूजा का इतिहास है। यहाँ पर आप बंगाली देवड़ी है, आप समझिए एक दो जगह है जहाँ से दुर्गा पूजा प्रारंभ हुई। उसके बाद यहाँ दुर्गा वाड़ी एक जगह है जहाँ पर एक तो वहाँ के पुजारी की जो प्रतिमा रखी गई 250 वर्ष पूर्व, तो उनको सपना आया कि तुम ये मूर्ति यहाँ से उठाना नहीं, मैं यही विराजमान रहूंगी काशी में। तो वो वही विराजमान है मूर्ति आज भी, उस समय आज तक वही मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है। उस समय दुर्गा पूजा का इतिहास है काशी का। और आज जो मेले का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये चूंकि 9 दिन की पहली पूजा है बनारस की, यहाँ पर प्रतिमा बैठी है, 9 दिन की पूजा यहाँ शुरू हुई, 3 दिनों की पूजा अपनी पीडिया हमारी वाराणसी सम्मिलनी है वहां से शुरू हुआ, जो पंडाल के रूप में प्रतिमाएं शुरू हुई। उसके बाद बहुत सारा है, केडीएस है, बीडीएस है, और अपने सनातन धर्म में है, उसके बाद अपना भारत आश्रम संघ है, ये सारी प्रतिमाएं बैठनी शुरू हुई, वो पहले से होती थी। ये 9 दिवस की पहली पूजा है बनारस काशी में। अपने बीच में जो मेले का स्वरूप हुआ, इसमें बहुत सारे पंडाल बढ़ते गए बढ़ते गए, करते करते 512 पंडाल पूरे अपने आसपास जिलों में है, और करीब करीब 272 के आसपास समितियां काशी में है, जो पंडाल बना करके और ऐसे भवनों में पूजा अर्चना करती है। काशी में कुल कितने पंडाल तक है? काशी में जो अपने शहर के अंदर है वो 272 के आसपास है। मैं तो पूरे बनारस की जिनका पूरे समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो सबको प्राथमिकता दूंगा। मेरे लिए जो बहुत बड़ा पंडाल बना रहे हैं वो भी, जो बहुत छोटा पंडाल बना के पूजा कर रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि वो कितनी मेहनत से चंदा लेते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं और सहयोग से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए कितना बड़ा इस दुर्गा पूजा के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है। भीड़ देखते हैं चारों तरफ, लोग होली मनाते हैं घरों में मना लेते हैं, दिवाली मनाते हैं घरों में आपस में, श्रद्धालुओं में रक्षाबंधन का पर्व आपस में भाई बहनों में जाता है, पतंग उड़ा करके सड़क छत पे काम कर लेते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा का एक उत्सव है, जिस उत्सव में लोग घरों में भी चलते हैं, और ये प्रथम दिन से ही शुरू होता है जब हम माँ की मूर्ति को ऑर्डर करते हैं। उस समय सोचिए कुछ एडवांस देते हैं मूर्तिकार को, टेंट को एडवांस देते हैं टेंट लगाने के लिए, हम लाइट वाले को एडवांस देते हैं लाइट लगाने के लिए, और इसके बाद जितने भी कार्यक्रम हमारे ब्राह्मणों के लिए पूजा अर्चना है, तो सब छोटे छोटे ठेले पहुंचे वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, जहाँ भंडारे का आयोजन होता है उसके लिए सामग्री है, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम लोग इस सरकार के लिए इस दुर्गोत्सव के पर्व में। ये जो यहाँ का विसर्जन है वो 12 तारीख को है, लेकिन चूंकि शासन का भी एक अनुरोध होता है, थोड़ा आप लोग विसर्जन आगे पीछे भी कर ले, तो कुछ पंडालों का एकाध होती ऊपर नीचे होता है, कुछ आगे पीछे कर लेते हैं ताकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी न हो, और हम लोग सुचारू रूप से सुरक्षा के सुगम से विसर्जन कर लेते हैं। देखिए प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे वॉलंटियर भी वहाँ लगे हुए हैं, 10 नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग लगे हुए हैं, निरंतर ड्यूटी करते हैं बिजारे, तो इस दृष्टिकोण से और जनता स्वयं भी जागरूक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो इतना बड़ा आयोजन है,
ये काशी नगरी के अंदर हम नहीं कर सकते, ये सब वही कराती है, भाई रचना वो करती है, माता रानी करती है। हाँ हम व्यवस्था के दृष्टिकोण थे, हमारे वॉलेंटियर थे, पुलिस कर्मी है, हमारे गार्ड थे जो हम लोगों ने गार्ड हायर किए हैं, और स्टैंड हमारा साइकिल का अंदर लगा हुआ है, गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ है, नीचे स्टैंड है, तो दृष्टिकोण बच्चा के दृष्टिकोण से भी नाम बता दो। चंदौली की रहने वाली हूँ, पड़ाव राम मड़िया में, क्या घर बच्चों को आए बिना देखा। आपको क्या लगा आप इतनी दूर से चंदौली से आई तो आपको क्या सुरक्षा व्यवस्था लगा महिलाओं के जैसे सुरक्षा तो है सुव्यवस्था प्रशासन तो देखे रास्ते में मतलब सब कुछ ठीक है सातवा दिन में कल रात्रि की पूजा की जाती है क्या संदेश दे रहा सनातन धर्म हम लोग का जो आस्था भगवान के ऊपर है ये बनाए रखना चाहिए। जो हम लोग भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं आज भी भगवान है हम लोग को उनको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन भगवान है तो सब कुछ है हम लोग उनकी पूजा करते हैं तो पूजा करने आते हैं मैं तो देखिए माता रानी मैया देवी के बहुत हम जो भी सच्चे दिल से कहते हैं उनको माँ मेरी जरूर सुनती मैं मेरा विश्वास बहुत मैं विश्वास करती हूँ माता रानी पर। मेरा हुआ कि माता रानी अपना आशीर्वाद मेरे को सदा बनाए रखे मेरे माँ आज जो भी मेरे पास है सब उन्हीं की कृपा है। आज मेरा बापू भी है एक उन्हीं के आशीर्वाद।